बद्रीनाथ मंदिर की दीवार पर आई दरार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए होगा धाम का रखरखाव। बीकेटीसी में वित्तीय गड़बड़ी की जांच कराने के जारी हुए आदेश, कांग्रेस नेता पर लगे आरोप। खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में उत्तराखंड पिछड़ा। ग्यारह जुलाई को उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। बाजपुर कोतवाली में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक युवक अपने गले में जूते चप्पलों का हार पहनकर कोतवाली में आ गया। वहीं इस अनोखे अंदाज में पहुंचे युवक को देखकर सभी पुलिसकर्मी हैरत में पड़ गए, जिसके बाद मामले को सुन पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पिछले 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हम पिछले 2 साल से शहीद भगत सिंह चौक पे लगातार प्रत्येक संडे को प्रोटेस्ट करता हूं शाम को, और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देता हूं। देश भर में जितनी बेटियां मारी जा रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं या आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी पिछले संडे को भी हम शाम 8 बजे जाके श्रद्धांजलि दे रहा था, तो हमारे माननीय पूर्व सांसद योगराज पासी के बड़े भाई जितेंद्र पासी जी आए और उन्होंने हमारे ऊपर भी गाली गलौज किया और हमारी मिसेज को भी गाली गलौज किया और थप्पड़ मारा। हम दो जने प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक आदमी आया हम पर हमला करा, हमारे पति पे भी हमला करा, हमारे सिर पे भी चोट आई है। हम इस बात पे गए कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने, वहाँ हमारी FIR लिखी गई है, कल हमें रसीद मिला था। पता है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यही जूता चप्पल का हार के ऊपर इनके बैठे हो आप, यहाँ मत आया करो, यहाँ से मार के भगा दिया। आपके साथ मारपीट? हाँ जी, हमारे सर पे चोट। धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों की संपत्ति पर भू माफियाओं की नजर बनी रहती है। वहीं हरिद्वार में अखाड़ों की संपत्ति को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या भी की जा चुकी है। बता दें कि इसकी रोकथाम के लिए हरिद्वार में कई अखाड़ों के साधु संतों ने आज विशाल संत समागम किया, जिसमें साधु संतों ने अखाड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया है। निर्भर पंचायती अखाड़े में स्वामी श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज की आह्वान पर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में आश्रम समाज की बैठक हुई है। हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी आश्रम और अखाड़े पे कब्जे की बातें आती हैं, किसी को धमकाने की बातें आती हैं। जो संत समाज भारतीय संस्कृति के लिए काम करता है, देश को बनाने की धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, वो आज सभी लोग चिंतित हैं कि भी कब किस आश्रम पर कब्जा हो जाए। निर्मल पंचायती अखाड़े में कई दिनों से बाहर के लोग इस तरह की नियत रखे हुए हैं कि यहाँ के महंत को हटा करके हम स्वयं स्थापित हो जाएं। ऐसी परंपराओं को नष्ट करने के लिए, ऐसे संतों को डिस्टर्ब करने के लिए जो मुहिम चली हुई है, उससे पूरा संत समाज चिंतित है। इसी विषय को लेकर के सरकार से आग्रह करने के लिए कि भी अखाड़े अगर डिस्टर्ब है। उत्तरकाशी में बुधवार को तहसील बड़कोट के अंतर्गत सुनालड़ी गांव के समीप एक बुलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि वाहन में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें 6 लोग सामान्य रूप से घायल हो गए हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है, जबकि सामान्य रूप से घायल 6 लोगों का उपचार CHC बड़कोट में चल रहा है। आधा से पौन घंटा पहले हमारे पास 6 पेशेंट आए हैं जो कि वाहन दुर्घटना के शिकार हैं, 6 के 6 लोग, जिनमें से कि प्राथमिक तौर पे हमने जब एग्जामिनेशन करने के बाद पाया कि 3 लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हैं, जिनको कि तत्काल प्रभाव से हम प्राथमिक उपचार देने के बाद
उनको देहरादून या हायर सेंटर को रेफर कर रहे हैं और तीन लोगों की स्थिति को अपने पास ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। संगम नगरी देवप्रयाग में पुलिस के जवानों ने एक गाय को भगीरथी नदी से रेस्क्यू किया। इस दौरान बहाव तेज होने के चलते जवानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जानकारी के अनुसार देवप्रयाग में भगीरथी पुल से करीब 100 फुट नीचे एक गाय फंस गई थी। बताया जा रहा है कि गाय कहीं से बहकर आई और पुल के नीचे फंस गई, जिसके बाद रेस्क्यू कर गाय को वहां से बाहर निकाल लिया गया। दस जुलाई को मुस्लिम समुदाय के पर्व ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर खटीमा तहसील सभागार में प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु, गणमान्य लोग, नगरपालिका, जल संस्थान और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने शिरकत की। साथ ही बैठक में बकरा ईद पर्व पर कुर्बानी को सार्वजनिक स्थान पर न करने की हिदायत दी गई है। इसी सिलसिले में आज हमने द्वारा मीटिंग की थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारे नगर पालिका के पुलिस विभाग और राजस्व विभाग, MPCM, ये सब यहाँ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए ताकि शांतिपूर्वक ईद का त्यौहार मनाया जाए। मुस्लिम समुदाय को बताया गया कि उनको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। खुले में उनके द्वारा कोई भी बलि नहीं दी जाएगी, इसका हम निर्देश प्राप्त कर दिए गए और वो सब इस बात के लिए राजी है। हम 10 तारीख को एक खुशी ईद का त्यौहार जगह से शिकायत है कि गलतियाँ हो रही है। एक दो मामले यहाँ पर आए थे तो इन लोगों को हमने सतर्क कर दिया है कि भाई ऐसा कोई भी मामला यहाँ पर दोबारा नहीं आना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो जगह चिन्हित नहीं है, उसके इलाज के लिए हमने कोई एक संस्था है वो उसको इलाज करने के लिए यहाँ पर राजी है। तो हमें फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।